हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे 12th क्लास की कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमारे पास आज हम डाटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स चैप्टर के एक्सरसाइज को क्लियर कर रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। जो हमारे पास रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द वैल्यू इज कॉल्ड, जो हमारी रिजर्व मेमोरी होती है वो जिसमें भी डाटा की वैल्यू स्टोर होती है वो किसमें होती है, वेरिएबल्स में। सेकेंड है हमारे पास ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक। प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, टोकन, कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर्स। थर्ड है हमारे पास डैश सिंबल दैट टेल द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेटर। स्टूडेंट, जो हमारे ऑपरेटर है वो क्या सिंबल करते हैं, कंपाइल करते हैं हमारे स्पेसिफिक टास्क के मैथमेटिकल एंड लॉजिकल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड है डैश इज यूज टू ऑल्टर द मीनिंग ऑफ द बेस टाइप सो दैट इट मोर प्रिसिफाइज फिट द नीड ऑफ वेरियस सिचुएशन। स्टूडेंट, जो मॉडिफायर है वो क्या करते हैं, हमारे मीनिंग को अल्टर करते हैं। फिफ्थ है हमारे पास डैश कंटेन करेक्टर दैट आर सिमिलर टू ए करेक्टर, लेटरल, प्लेन करेक्टर, एस्केप सीक्वेंस एंड यूनिवर्सल करेक्टर। स्टूडेंट, जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो क्या करता है, हमारे करेक्टर्स को कंटेन करता है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जैसे कि ऑपरेटर प्रीडेंस डज नॉट डिटरमाइन द ग्रुप ऑफ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, जो भी हमारे पास ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ग्रुपिंग को, एक्सप्रेशन को डिफाइन नहीं करते, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। बेसिक टाइप्स कैन नॉट बी मॉडिफाई बाय द मॉडिफायर। स्टूडेंट, इसका आंसर भी होगा ट्रू। थर्ड है हमारे पास कॉन्स्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू दैट द प्रोग्राम में नॉट बी अल्टर। स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो कभी भी अल्टर नहीं होती। फोर्थ है हमारे पास ए कंडीशनल एक्सप्रेशन वन विच वैल्यूएट ए ट्रू और नॉन जीरो वैल्यू और ए फॉल्स। स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। फिफ्थ है यू कैन नॉट ब्रेक ए लॉन्ग लाइन इन टू मल्टीपल लाइन्स यूजिंग ए स्ट्रिंग लेटरल। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। थर्ड हमारे पास आया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल। स्टूडेंट, हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के वेरिएबल, जैसे कि इंट, इंट का मतलब क्या है, इंटीजर। ये हमारी क्या है, इंटीजर नंबर्स को स्टोर करेगा। और इसमें हमारे पास विदाउट डेसिमल नंबर क्या होंगे, 1, 2, 3 और -1, 2, 3 तक हम इसके नंबर्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर। डबल डबल में हमारे पास वैल्यू जो होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एंड डेसिमल पॉइंट की जो वैल्यू है वो स्टोर होती है। करेक्टर करेक्टर में हम क्या है, अल्फाबेट यूज करते हैं। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को एंड पूरे होल वर्ल्ड को क्या करता है, स्टोर। बूल बूल क्या करता है, हमारे ट्रू स्टेटस को, जैसे कि ट्रू और फॉल्स दोनों को ही स्टोर करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म बाय मॉडिफायर। स्टूडेंट, मॉडिफायर क्या है, हमारे पास एक स्पेशल कीवर्ड है जो प्रोग्राम की लैंग्वेज को यूज किए जाते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे डाटा टाइप्स में बनाई जाती हैं। और इसका जो मॉडिफायर है वो क्या करता है, हमारे स्पेशल कीवर्ड जो कि हमने मॉडिफाई करने के लिए उसकी रेंज एंड मेमोरी को स्पेस के थ्रू, हम वेरिएबल के थ्रू उसकी हेल्प के साथ क्या करते हैं, उसकी स्पेसिफिक रेंज की मेमोरी को मॉडिफाई करते हैं। थर्ड आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। स्टूडेंट, जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, चेंज नहीं होते। इसी तरीके से हमारे पास जो वेरिएबल आ जाते हैं उसकी जो अगर वैल्यू चेंज होती है वो डिपेंड करेगी हमारी इक्वेशंस के, और हमारे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू के नंबर्स होते हैं वो हम क्या किस में राइट करते हैं, कॉन्स्टेंट में। फोर्थ आ जाता है हमारे पास व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर आप सभी को पता है भी, ऑपरेटर हम अर्थमेटिकल एंड मैथेमेटिकल लॉजिकल फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। और ऑपरेटर्स को हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं, जैसे कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिफ्थ है हमारे पास व्हाट इज ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या है, हम इसको तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता हो और इसमें हमारे पास जो स्पेसिफाइड कंडीशन की जाती ट्रू हो। अदरवाइज हमारे पास जो एल्स है वो क्या करती है, हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करती है। और हमारे पास सेम कंडीशन फॉल्स जो है वो स्पेसिफाइड होती है न्यू कंडीशन टेस्ट में। और इस तरीके से हमारे पास क्या है, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स। स्टूडेंट,
स्टूडेंट इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, मोस्टली हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। स्टूडेंट जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड परसेंटेज, ये सभी साइन हम किस में यूज करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेशन हमारा मैथमेटिकल वर्क्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनल, रिलेशनल जैसे कि प्लस प्लस साइन, माइनस साइन, डबल, जो हमारे पास इक्वल टू साइन है इसकी कंडीशन, और हमारे पास जो ऑपरेंड है जो इक्वल करते हैं, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सभी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है जो हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो रिलेशन ऑपरेटर हैं वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं भी हमारा वैल्यू की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन बनता है। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय करेक्टर लेटरल एंड इसकी जो एस्केप सीक्वेंस है वो हम कैसे यूज करें। करेक्टर लेटरल हमारे पास स्टूडेंट क्या है, जो भी हमारे करेक्टर लेटर को सिंगल कोटेशंस में स्टोर करते हैं और उसके जो लेटरल बिगन होते हैं उसको हम एल को हम लोअर केस बोलते हैं, और जो हमारा वाइड करेक्टर लेटरल होता है जिसको हम एल एक्स भी बोलेंगे वो स्टोर होता है हमारे पास डबल यू कैर के साथ। और इस तरीके से हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे नैरो करेक्टर लेटरल को भी स्टोर करते हैं जिसको हम सिंपल वेरिएबल में कैर टाइप भी कहते हैं। और हमारे पास जो करेक्टर लेटरल है वो क्या करते हैं, प्लेन करेक्टर को स्केप देते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और हमारे पास जो यूनिवर्सल करेक्टर है वो डिफाइन करते हैं हमारी सर्टन कंडीशन को। और इसी तरीके से हमारे पास जो बैक स्लैश है वो क्या करते हैं, एक स्पेशल मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। और इस तरीके से हमारे पास जो लिस्ट ऑफ सीक्वेंस कोड होते हैं वो इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट ये करेक्टर के लिए है जो कोड हमारे पास, सिंगल कोड के लिए है, डबल कोड के लिए क्वेश्चन मार्क करेक्टर है, अल्टर और बेल के लिए हम जे सिंबल यूज करते हैं, बैक स्लैश के लिए, फॉर्म फील्ड के लिए, न्यू लाइन के लिए, कैरेज अगर हमने रिटर्न करना है, हॉरिजेंटल टैब के लिए एंड वर्टिकल टैब के लिए, ऑक्टल नंबर जब हमने यूज करने हैं उनके लिए हमारे पास जे कमेंट यूज होते हैं, एंड हेक्सा नंबर एंड वन एंड मोर डिजिट अगर हमने एक्सप्लेन करने हो तब हम जे यूज करते हैं। और अगर हमने इसकी एग्जांपल के थ्रू एस्केप सीक्वेंस को करेक्टर में शो करवाना हो तो वो क्या, सबसे पहले जैसे कि हमने इंक्लूड हम लेते हैं ना, आईओ का मतलब क्या हो गया, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और इसमें यूजिंग नंबर स्पेस क्या करती है, हमारी जो भी वैल्यू में स्टैंडर्ड हमने स्पेस दी हुई है वो हम यूज कर लेंगे। और जो हमारे पास मेन है वो क्या करता है, जैसे कि हमने काउंट में क्या किया है, हेलो टी वर्ड, और जो हमारे पास डबल एन स्लैश आई वो क्या करेगी, हमारे नंबर्स में उसको डिफाइन कर देगी। रिटर्न ओ में हम क्या कर रहे हैं, उसकी आउटपुट को रिटर्न करवा रहे हैं। स्टूडेंट जी आपका सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।